सत श्री अकाल दोस्तों, जैसे हमने कल बात की थी हाई बीपी की, एक मैं बात आपको क्लियर कर दूं हाई बीपी के लिए कि हमारा जो बीपी है हाई लेवल का हाई साइड वो कितना होना चाहिए। जितनी हमारी एज है उसके अंदर आप 90 ऐड कर लो उतना हमारा बीपी नॉर्मल है। अगर किसी की एज 60 इयर्स है तो उसमें 90 ऐड कीजिए, 150 उसका हायर साइड बीपी बिल्कुल नॉर्मल है। अगर किसी की एज 70 है तो उसका 90 प्लस 70 160 एज 160 पॉइंट बीपी बिल्कुल नॉर्मल है। ये आप नेट पे सर्च कर सकते हैं, ये बात आज की बात नहीं है, ये पुराने ज़माने से यही पॉइंट चलते आ रहे थे। और तो आजकल पता नहीं, मेरे को समझ नहीं आ रही कि अब 120 क्यों कर दिया है। अब ये बात आप भी विचार ना इसके ऊपर कि अब 120 क्यों कर दिया है खास साइड, पहले 150 होता था 160 होता था, अब वो कहते हैं कि 120 होना चाहिए। बिल्कुल नहीं, जितनी हमारी एज है उसके अंदर आप 90 जोड़िए। आप नेट पे सर्च कीजिए कि ऐसा क्यों हुआ। मैं इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करना चाहता। जो हमने कल बीपी के पॉइंट बताए थे मैंने इसको मार्क कर दिए हैं। ये चारों पॉइंट आपने ब्लैक कलर ब्लैक मार्कर पेन से लगाने हैं, आपका बीपी जो है नीचे की साइड आना शुरू हो जाएगा। आज हम बात कर रहे हैं लो बीपी की। अगर किसी का बीपी लो हो तो उसने क्या करना है, कुछ भी नहीं करना। आपने एक रेड कलर का मार्कर पेन लेना है, ये आप कुछ कलर मैं आपको बताऊंगा, रेड ब्लैक ग्रीन ब्लू डार्क ब्राउन, ये 5-6 कलर आप 10 रुपये वाले लेकर घर में रख लीजिए मार्कर पेन, और ये आपके बहुत काम आएंगे। आगे मैं आपको बहुत कुछ बताऊंगा। तो ये आपने थंब के ऊपर की साइड जहां हमने कल ब्लैक लगाया था लो करने के लिए, अब यहां पे हमने रेड लगाना है हाई करने के लिए। कितनी छोटी सी बात है। आपका अगर बीपी लो चल रहा है आप यहां पे थंब के ऊपर रेड कलर लगा लीजिए। आप थोड़े दिन आप लगाएंगे आपका भी पिंडार पर होना शुरू हो जाएगा, आप घर बैठे ठीक हो जाएंगे। तो ये आप तो हाई और लो बीपी की बात होगी। कल मैं आपसे बात करूंगा बुखार के बारे में और ठंड लगने के बारे में। जनरली हमें बुखार हो जाता है तो हम घर में बैठे भी अपने बुखार से छुटकारा कैसे पा सकते हैं। आधे घंटे के अंदर हमारा बुखार ठीक हो सकता है। अगर किसी को बहुत ज़्यादा ठंड लग रही हो, कम कॉपी आ रही हो, तो आप एक कलर लगाने से आपकी वो ठंड भी दूर हो सकती है। तब तक के लिए नमस्कार, हैव ए नाइस डे।